धीरे के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में स्वागत है आप सभी का। देख सकते हैं आप, भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, और इसमें भी हमने दिल्ली से सफर तय किया है उत्तर प्रदेश के बाबूगढ़ तक का। जी हाँ, इस वक्त हम बाबूगढ़ में उपस्थित हैं। यहाँ के एक गांव में आज हम अपनी चौपाल बिठाने वाले हैं, जायजा लेंगे कि हमारी सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है उनके बारे में हमारे किसानों को पता भी है कि नहीं। अगर पता है तो कितना लाभ मिल रहा है और उनका क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसी को सार्थक करने के लिए आज हम अपनी चौपाल बिठाने वाले हैं बाबूगढ़ के खिलवाई गांव में। तो फिर आइए, समय नहीं गवाते हैं, रुक कर लेते हैं चौपाल का और हमारे किसानों से सीधा रूबरू होते हैं। चलिए हमारे साथ। गांव में यहां पर लोगों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पता है? मैम, ऐसा है, वैसे लोगों को तो पता है, हाँ। लेकिन क्योंकि इस गांव में अभी ये कोई नहीं लगा है, हाँ। कोई भी पॉट नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन एक पास में ही यहाँ बहादुरगढ़ है, हाँ। और यहाँ पर एक अपना गांव पड़ता है, हाँ। हैदरपुर एक गांव है, वहाँ पर ये बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में है। एक्टिव कंडीशन में, तो चलिए चौपाल में चलते हैं, वहाँ पर उनसे, हमारे गाँव वासियों से बातचीत करते हैं। आइए। मैं धन्यवाद मैम। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश के हम खिलवाई गांव में इस वक्त मौजूद हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी चौपाल यहां पर तैयार है। चर्चा आज यहां पर होने वाली है हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। क्या नाम है इस योजना का? इसका यह नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ, पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए। इसके लिए उसको बचा के रखना बहुत जरूरी हो जाता है, सही तरह से उसका उपयोग हो ये भी बहुत जरूरी है। ऐसी ही स्थिति में इस योजना की शुरुआत की गई है, हमारे किसान जल का संरक्षण कर सके, अलग अलग पद्धतियों को अपना सके जिससे कम पानी में भी ज़्यादा अच्छे से सिंचाई हो सके, अच्छी उपज हासिल हो सके। इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इस गांव में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है या फिर नहीं, क्या हमारे गाँव वासियों को इसके बारे में पता भी है या नहीं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ के हमारे साथ यहाँ पर वैज्ञानिक गण भी उपस्थित हैं, जिनसे आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से समझेंगे भी। हमारे किसानों के मन में तौर पर कुछ सवाल जरूर होंगे, उनके जवाब कौन देगा? हमारे यहाँ पर मौजूद वैज्ञानिक गण। तो फिर आइए आज की हमारी चौपाल की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे यहाँ पर कुछ किसान भाइयों का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनसे हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले चाहेंगे आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुधीर त्यागी। जी सुधीर जी, तो जी, आप इसी गांव के निवासी जी हैं? बिल्कुल इसी जी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के बारे में जानकारी रखते हैं? हाँ, थोड़ी जानकारी रखता हूँ। तो क्या है ये योजना, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं बताना चाहूंगा कि जो ये योजना है, जो पानी पीने के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त तो होता ही है और अभाव भी है इसका, लेकिन प्रधानमंत्री की योजना से ज़्यादातर जो है इस संकट को, जल संकट को दूर किए जाने की जो है पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। जी, तो पूरी कोशिश है यहाँ पर लगातार है। आपके गांव में इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है? हाँ, हमारे यहाँ भी क्रियान्वयन हो रहा है। जी, तो आपने लाभ लिया है? अभी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि शुरुआत है, अभी यहाँ पर शुरुआत है, लेकिन जानकारी यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, पहुँच रही है बिल्कुल। तो देखिए आप बैठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जानकारी पहुँच गई है यहाँ पर और शुरुआत हुई है। अब जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जाएंगे, लोग इससे जुड़ते जाएंगे, तो इस योजना का पूरा लाभ सीधे तौर पर हमारे किसानों को, हमारे गाँव वासियों को यहाँ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और किसानों से यहाँ बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। बब्बू त्यागी।
जी आप अपने इस गांव के बारे में बताएं, खिलवाई के रहने वाले हैं। हाँ जी। इस यहां पर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है? हाँ जी, हो जाती है। हो जाती है, तो आप खुले खेत मतलब जैसे खुले थाले बनाकर खेती वो सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, क्या माध्यम अपनाते हैं आप? कुएं से करते हैं जी। कुएं से करते हैं आप। आपने इस योजना के बारे में सुना है, प्रधानमंत्री? हाँ जी, सुना जी। योजना के सुना जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की योजना लगी है आपको? अभी तो शुरुआत है जी, अभी तो सुननी बाकी है जी। तो अभी आपने सुना है इसके बारे में, तो सुन के ही आपको क्या लगा कि क्या ये अच्छी योजना बनकर आगे उभरेगी? अच्छी बनकर लगेगी। अच्छी बनकर उभरेगी, तो पानी बचा सकते हैं हम इसके यूज से? हाँ जी, बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो पानी का बचाव इससे किया जा सकता है, हमारे किसान भाई का ये कहना है। तो बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञगण भी उपस्थित है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है, हंसराज जी। आइए डॉक्टर हंसराज का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हंसराज, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, लोग कह रहे हैं कि जानकारी इनके पास पहुंच गई है, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? देखिए, ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बहुत अच्छी योजना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल के चाहे हम हो चाहे पशु पक्षी कोई भी या पेड़ पौधे कोई भी नहीं चल पाता है। तो साथियों, चूँकि हमें जल बचाने का अभियान है और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि एक एक बूंद को संरक्षित किया जाए, इसीलिए जो आप फ्लड इरिगेशन के स्थान पर माइक्रो इरिगेशन लगाए जा रहे हैं, ट्रिप सिंचाई, आपका टपक सिंचाई, इसके बाद आपका रेन गेज, इसके बाद आपका जो फ्लड वाला किसान भाई करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसानों के बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बार बार जागरूक कर रहा है कि आप पानी को बचाइए, क्योंकि पानी एक असीमित मात्रा नहीं, सीमित मात्रा में है, और हमारी आगे वाली पीढ़ी को ये पानी दीजिए, क्योंकि पानी की कीमत हम लोग नहीं समझ रहे हैं, ये दोआब में बैठे हुए हैं, पानी की कीमत वहाँ देखिए जो बुंदेलखंड में है। तो मेरा इस गांव वासियों से हम लोग कृषि विज्ञान के तो मैसेज देते हैं कि आप जो है फ्लड इरिगेशन के स्थान पर माइक्रो इरिगेशन लगाइए, इस पर सरकार काफ़ी छूट भी दे रही है, और सरकार की मंशा है कि जो कहते हैं वन ड्राप मोर क्राप, और जो हमारे खेत दूर एरिया में हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये जो खराब खेत है उनको भी पानी लगा के सिंचित किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए उद्देश्य काफी बेहतर है, और हम देख सकते हैं बहुत गर्मी है यहाँ पर, और इसी गर्मी में तो हमारे किसान खेतों में काम करते हैं, तो हम क्यों ना डटे रहें, और हमारे किसानों के बीच जब हम आ पहुंचे हैं तो उनसे बातचीत के सिलसिले को यूं ही बरकरार रखें। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या है ये योजना, किस तरह से इसकी शुरुआत की गई, आइए जानने के लिए आपको दिखा देते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है, और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है, इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो, जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए, जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्ता परक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है, इस सरकार ने बल दिया है। और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब उंडे कर गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। तो लगातार हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है, इस सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। देख सकते हैं हमारी चौपाल लगी हुई है, यहाँ पर खिलवाई गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जायजा हम ले रहे हैं। तो फिर आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार है, आप इसी गांव से हैं? जी नहीं। आप कहां से? जी मैं उड़ीसा से हूं। आप उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं, तो यहां इस गांव में आना कैसे हुआ? जी एक्चुअली मुझे मशरूम के फार्मिंग के बारे में जानना था, तो इसी वजह से मैं आया हुआ था। मैंने सुना है यहां पे एक कार्यक्रम हो रहा है, तो इसीलिए योगदान किया यहां पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको सरकार की योजनाओं के बारे में पता है, अलग अलग जो स्कीम्स चलती है? जी जरूर। कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप जानकारी रखते हैं? जी जरूर। जी तो आपके उड़ीसा क्षेत्र में वहाँ पर काम हो रहा है इस पर? जी डेफिनेटली वहाँ पे जरूर काम हो रहा है, और प्रधानमंत्री के बहुत सारी योजनाएं हैं, जो जितने सारे हमारे फार्मर्स हैं उनको नए नए जो टेक्नोलॉजी से नए नए सारे जानकारियों के बारे में उनको सचेतन करना, ताकि जो कृषि के स्तर में थोड़ा बदलाव आए और प्रोडक्शन के मामले में हम बहुत आगे जाए, और टेक्नोलॉजी के मामले में जो किसान लोग का नुकसान वगैरह होता है उससे जितना कम से कम किया जाए, ताकि उनको वो फायदेमंद रहे, क्योंकि किसान है तो देश है। तो इसीलिए बिल्कुल किसान है तो हमारा देश है, बिल्कुल जोरदार तालियां बनती हैं इस बात पर। तो सर, कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या कहेंगे हमारे किसानों को? कृषि सिंचाई योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम हर खेत को पानी उपलब्ध कराएं, और उपलब्ध कराने के बाद जो सिंचाई के उपकरण हैं उन पे हम सब्सिडी देने की जो सरकार की योजना है उसको हम करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुख्य तौर पर हमारा ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम टपक सिंचाई बोलते हैं, और दूसरा बौछारीय सिंचाई, जिसको हम स्प्रिंकलर सिंचाई बोलते हैं। इसमें पानी की बचत के साथ साथ इसमें बहुत कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, किसानों को एक गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है जिसकी बाज़ार में अच्छी मांग रहती है, और मुख्य तौर पर इसमें हम देखें तो लगभग पानी की बचत जो ड्रिप इरिगेशन से होती है वो लगभग 35-40% होती है, और बौछारीय सिंचाई से लगभग 50-60% होती है। मुख्य यह है कि हम टपक सिंचाई से जब पानी इसमें जाता है तो पानी के साथ उर्वरक भी जाते हैं, और उर्वरक के साथ जब मुख्य जड़ में जब भोजन जाता है तो पौधा पूर्णतया लेता है, उसकी विकास पौधे का और उसकी वृद्धि बहुत अच्छी होती है, लिहाजा वो उत्पादन के लिहाज से बहुत ही उपयुक्त पौधा माना जाता है, और बहुत ही गुणवत्तायुक्त उत्पादन होता है जिसके बाजार में मांग अच्छी होती है। और हम देखते हैं इसमें कि धीरे धीरे जब किसान इसमें जाता है तो उसको लगता है कि हम जिस स्थिति में काम कर रहे हैं वहाँ पर और अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं जिसमें बाज़ार की मांग ज़्यादा है, और हम इस ओर भी इशारा करते हैं कि अगर सरकार इस ओर काम कर रही है तो हम
हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम इसको योजना का क्रियान्वित करें और इस योजना का क्रियान्वित हमारे जनपद में उद्यान विभाग जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है, जहाँ पर सरकार 90% की छूट दे रही है, केवल 10% किसानों को लगाना है और इसके बाद इस योजना का जो हमें लाभ उठाना है वो हमारे लिए बहुत है। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ 2015 में किया था। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आपका। तो देखिए यहाँ पर जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने पहुँचाई है, मुहैया करवाई है हम तक कि केवल हमारी जो दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, उन्हीं में नहीं बल्कि बागवानी फसलों में भी आप इस सिंचाई योजना का लाभ ले सकते हैं। बागों में बेझिझक आप तमाम पद्धतियाँ जो हैं वो लगा सकते हैं। और किसान भाइयों से यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विकास त्यागी है जी। विकास जी, क्या कहेंगे आप सरकार की इस पहल के बारे में? सरकार जो है जल को बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन का, बाकी चीज़ों का उद्यान विभाग के माध्यम से हमारे यहाँ योजनाएं चला रही है और समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं या हॉर्टिकल्चर से अधिकारी हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं। इसी में आपको भी इन्होंने बुलाया है और बाकी लगभग सभी किसानों को इसकी जानकारी भी है और आगे इसका लाभ लें, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। बिल्कुल, तो देखिए जानकारी है यहाँ पर और यहाँ पर लाभ ले सके हमारे किसान, इसी मंशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो लगातार हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है, इस सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। देख सकते हैं हमारी चौपाल लगी हुई है यहाँ पर खिलवाई गांव में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जायजा हम ले रहे हैं। तो फिर आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम बॉबी त्यागी, बिल्कुल ग्राम निवासी खिलवाई खिलवाई जी। कृषि सिंचाई योजना क्या कहेंगे इस पर? पीएम ने जो है ये सौर ऊर्जा की वो चलाई हुई है, वो हमें पंप सेट और सौर ऊर्जा की प्लेटें वगैरह ये सब सिस्टम दे रहे हैं जी। और किसानों के लिए पानी अपने उसको चला सकते हैं। बिल्कुल, तो सौर ऊर्जा सिस्टम तो आपको यहाँ पर मिला हुआ है। सिंचाई के लिए जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं जैसे टपक सिंचाई हो गई, फव्वारा विधि हो गई, इसका इस्तेमाल अभी तक किया है आपने? नहीं, हमने तो नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से जो है पूरी योजनाएं चली हुई हैं। तो आप बैठ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे चाहेंगे आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजवीर है जी। क्या कहेंगे आप हमारी सरकार की इस पहल के बारे में? सरकार की स्कीम ठीक है, अपने सब फायदा मिल रहा है, इसका फायदा मिल रहा है आपको, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही? ना, समस्या नहीं आ रही है। पानी का यहाँ पर प्रबंधन सही रहता है आपके क्षेत्र? हाँ, सही है हमारे यहाँ तो खेती के लिए सिंचाई के लिए 12 किए जाते हैं, 12 करते हैं। जो नई पद्धतियां आई हैं, टपक सिंचाई आई है, फव्वारा विधि आई है, इसके बारे में कभी सोचा है?
ना सोचा भी नहीं है, अभी यहाँ कोई लगी भी नहीं है, यहाँ लगी नहीं है। लगवाना चाहेंगे कभी? हाँ लगवाना चाहूंगे, हर आदमी इच्छुक है किसान, बिल्कुल लगवाना चाहेंगे। हाँ जिसमें पानी की बचत होगी उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल, तो हमारे किसान यहाँ लगवाना चाहते हैं, पानी की बचत हो रही है तो किसको बुरा लगेगा यहाँ पर, बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। तो देखिए हमारे किसान यहाँ पर इच्छुक हैं, लगवाना चाहते हैं। हम यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की बात करें चाहे स्प्रिंकलर की यहाँ पर बात करें, तो हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनसे हम जान लेते हैं अगर हमारे किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए आप हमारे किसानों के सवाल का जवाब दें। धन्यवाद मैडम, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुर में कार्यरत हूँ और मैं मेरा जो सब्जेक्ट है वो बीजों का है। देखिए मैडम, मैं सबसे पहली बात अपने किसान भाइयों को भी जागरूक करने के लिए एक बात बताऊंगा और सभी लोगों को, क्योंकि हमारे पास जो विश्व का जितना पानी है वो केवल 4% उपयोग के लिए है, जिसमें हम अपनी खेती है और जो काम करते हैं, और पीने के लिए केवल 1% जिसे हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। तो पानी की हमारे यहाँ बहुत कमी होगी या होने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी कि वन ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हम थोड़े से पानी से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, ये उनकी योजना थी। उसी में हमारी ये जो टपक सिंचाई विधि है या बौछार विधि है या सौर ऊर्जा से आजकल है, तो इसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा ब्लॉक की तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना है उससे 90% तक अनुदान है। अगर ये इसमें लगाते हैं तो इसे एक बचत के साथ साथ ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं अपनी फसल का, क्योंकि ये पद्धतियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी पद्धतियाँ जिनमें पानी की बचत के साथ उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ये प्रैक्टिकल रूप से भी होता है अगर किसान भाई करते हैं तो जी, हमारे किसान भाई इसका फायदा जरूर लें। अब कदम ये है कि ये हमारे जो किसान भाई हैं जो ये लगाना चाहते हैं कोई सी भी विधि, तो ये हमारे ब्लॉक में हमारे जो या हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं जैसे DD साहब होते हैं हमारे, तो जो उनके पास जाके उसमें इनको एक फार्म भरना होगा, अपना पूरा सा बैंक पासबुक का एक फोटोकॉपी देनी होगी, आधार की फोटोकॉपी देनी होगी। तो क्योंकि 90% जो रिबेट होगी वो इन्हीं के अकाउंट में आएगी, केवल 10% मात्र इनको नाम मात्र का उसमें इनको पैसा देना है, और उससे ये इस योजनाओं का जरूर लाभ लें सब। मैं तो किसान भाइयों सभी से ये अनुरोध करूँगा कि इन योजनाओं का जरूर लाभ लें, जिससे कि हमारे देश में जो पानी की समस्याएँ आएंगी उससे हम निजात पालें और अच्छा उत्पादन अपना इन विधियों के द्वारा करें। हमारे एक और विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी हमें इस योजना के बारे में जान लेते हैं। क्या कहेंगे आप हमारे गांव वासियों को सरकारी योजनाओं के प्रति, क्यों उन्हें लाभ लेना चाहिए, और कृषि सिंचाई योजना पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। जी मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद मड़के है, मैं पशु वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ पे। इस योजना का लाभ लेने के लिए ब्लॉक में किसान भाई जाए, और इसमें एक तो अपना पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरी बात इसमें अपना पहचान पत्र जैसे आधार है या ड्राइविंग लाइसेंस है ये, और दूसरी बात अपना गांव का रहवासी प्रमाण पत्र और 7/12 अपना खसरा खेत का खसरा, ये डॉक्यूमेंट ले जाके और पासबुक की फोटोकॉपी ये ले जाके अपना फॉर्म भरे। ऑनलाइन भी एप्लीकेशन होती है इसकी, और ऑनलाइन या ऑफलाइन भी इस दे सकते हैं, और ये ज़्यादातर ज़्यादा किसान भाई ने इस योजना का लाभ लेना चाहिए, ताकि इसकी मंशा यही है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो जब तक आप इससे क्या होगा कि इससे आपकी आमदनी आय बढ़ेगी और आपका जो फसल जो है संरक्षित रहेगा, और इसी से आमदनी बढ़ा के अपने उत्पादन ये प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए लागत में कमी आएगी, उत्पादन बढ़ेगा, पानी बचेगा। और हमारे किसान भाइयों का रुख कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दें और हमारी सरकार की योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। मेरा नाम हेमंत शर्मा है, और सरकार की सिंचाई योजना के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये आजकल जितना पानी वेस्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जो पिछले कई सालों से करी जा रही है, और धीरे धीरे अब ये काफ़ी इंटीरियर्स तक पहुंच भी चुकी है। हमारे यहाँ गांव में भी इसका काफ़ी जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, और काफ़ी किसान उत्सुक भी हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो और बाकी कृषि विज्ञान केंद्र का भी बहुत सहायता समय समय पर मिलती रहती है अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी देने के लिए, तो हम काफ़ी खुश हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे लिए और आने वाले के लिए, हम पानी बचाने में सक्सेसफुल रहेंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पीछे से मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करूंगी, अपना नाम बता दीजिए। मैं शेखर तिवारी बात कर रहा हूँ। शेखर जी, क्या कहेंगे आप सरकार? मैं है जी, सरकार की नीति तो बढ़िया है, लेकिन किसान भी थोड़ा नहीं बदलना चाह रहा है जी। पहले मैं भी बदला हूँ, मैं एक पशु समर सेवल के पाइप से एक घंटा तक नहाता था, लेकिन जब से मैंने प्रधानमंत्री की योजना देखी है, मैं बाल्टी मग्घे का यूज कर रहा हूँ और खेतों में मैं एक क्यारी बनाता था काफी, और अब मैं 10 क्यारी बना रहा हूँ जिससे जल्दी सिंचाई हो। तो किसान को भी बदलना पड़ेगा सरकार की नीतियों के साथ। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है, जोरदार तालियां यहाँ पर बनती हैं कि हमारी सरकार अगर सहयोग दे रही है तो अब हमारा भी दायित्व है कि थोड़ा सा बदलाव तो हम भी अपनी खेती के परिवेश में लाएं। जब हम बदलेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें हम सार्थक करेंगे, उन्हें हम जरूर सफल यहाँ पर बनाने में अहम भागीदारी निभाएंगे। बिल्कुल, आपसे भी चाहेंगे आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम निशांत त्यागी है और मैं खिलवाई गाँव का निवासी हूँ। जी, क्या कहेंगे आप सरकार की योजनाओं के बारे में? मैम बहुत बढ़िया योजना है मैम, 2015 वर्ष जुलाई में ये लागू की गई थी और जो इसका बजट है मैम वो 50,000 करोड़ का है। ठीक है, इसका जो उपलब्धता है मैम, ये उचित पानी की उपलब्धता कराना है और जो ये सिंचाई उपकरण है इन पे सब्सिडी प्रदान कराना है जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है और 25% राज्य सरकार की तरफ से मिलती है। मैम बहुत ही बढ़िया योजना है ये सिंचाई की, लेकिन मैम किसान को भी अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, तो जैसे आप जागरूक हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ के और अन्य किसान भी जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर इस योजना का पूरा पूरा लाभ हमारे किसानों को मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे से मैं चाहूंगी आप यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे। योजना मैम देखिए, योजना सरकार कोई भी योजना लेके आ रही है वो ठीक है, अच्छा है, पर उसको निचले स्तर तक लेके आना और उसके बारे में जागरूक करना ये भी सरकार का काम है। और सरकार के जो चीज़ें हैं वो थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस वो सरकार करती है। तो अगर हम एक किसान के रूप में मैं बात करूं, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने के बाद एमबीए करने के बाद आज खेती कर रहा हूं, तो मैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के बारे में देखता हूं, जहां पे मैं समय की बचत कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पैदावार को बढ़ा सकूं। तो अगर मेरा कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मैं जाहिर सी चीज़ चाहूँगा कि मेरे पास जैसे ड्रॉप सिस्टम है उसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या ड्रेनेज बेसिन है उसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मुझे चाहिए जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ट्यूबवेल लगाया, मेरा इरीगेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए जिससे मेरा टाइम बचे, मेरी पैदावार अच्छी हो, एक एक दाना मेरा खिल के आए। तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि सरकार इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे किसान भाई उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना नाम बता दें, परिचय दें एक बार हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को। मैं कमल सिंह चौहान, पद्मश्री अवार्डी किसान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आया हूं। बिल्कुल, पद्मश्री विजेता है, अवार्डी है, यहां पर पुरस्कार मिला है इन्हें। क्या कहेंगे आप खेती बाड़ी के बारे में, साथ ही साथ हमारी सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस पर भी आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे, आपसे विचार जानना चाहेंगे। ये अच्छी योजना है, मैं इजराइल गया हूँ, इजराइल में देखा है मैंने कि वहाँ भूमि कृषि योग्य नहीं है, पर वहाँ के लोगों ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ड्रिप इरिगेशन और पॉली हाउस का प्रयोग किया है खेती करने के लिए। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि हर जगह ड्रिप हो, हर जगह पॉली हाउस हो, क्योंकि भारत में इतने जोन है कि हर जगह एक सब हर जैसा मौसम है, परंतु यहाँ जहाँ पहाड़ है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ ये योजना है प्रधानमंत्री जी ने जो लागू करी है, ये एक अच्छा और सराहनीय कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ पर हमारे किसान भाई ने भी अपने विचार साझा किए हैं। तो देखिए लगातार हमारे किसान कह रहे हैं योजना काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर जागरूकता पहुंच रही है, समस्याएं भी आ रही हैं, उनका समाधान भी यहां पर हमारे किसानों को जल्द ही मिलेगा। और जैसे हमारे किसान कह रहे हैं कि अब हम बदलाव की ओर बढ़ेंगे, हम भी खुद को बदलेंगे, तभी तो हमारी सरकार जितनी प्रयास कर रही है हम उन्हें सफल बना पाएंगे। तो इसी के साथ बता दें आज हम उत्तर प्रदेश के खिलवाई गाँव में आए थे और यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जायजा लिया है, जागरूकता है यहाँ पर, अब जल्द ही क्रियान्वयन भी शुरू हो जाएगा, हमारे किसान भी इससे जुड़ जाएंगे और निश्चित तौर पर इससे लाभ लेंगे। तो इसके साथ बता दें आज की चौपाल चर्चा में बस इतना ही, अगले अंक में एक नई चौपाल पर आपको ले चलेंगे, एक नए गांव के सफर पर चलेंगे और वहां पर हम चर्चा करेंगे सरकार की अन्य योजना के बारे में। तो बस इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।